सुप्रभात बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आप सबको मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता का अध्ययन कराएंगे। प्रस्तुत कविता मैं सबसे छोटी हूँ कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। सुमित्रा नंदन पंत एक संवेदनशील व्यक्ति तथा प्रकृति प्रेमी कवि थे। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इनका जन्म 20 मई सन 1900 ईस्वी में उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं वीड़ा, ग्रंथि, पल्लव, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या आदि हैं। इनकी कविताओं में भावुकता तथा विचारशीलता दोनों का समन्वय है। इन्हें इनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए साहित्य अकादमी, सोवियत भूमि, भारतीय ज्ञानपीठ, पद्म भूषण आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनका निधन 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी में हुआ था। प्रस्तुत कविता में बाल सुलभ चेष्टाओं का सुंदर वर्णन किया गया है। बच्चों को अपना बचपन कितना अधिक प्रिय होता है यह सुंदर ढंग से बताया गया है। माँ का प्यार तथा साथ, उसकी आंचल की छांव को बच्चा छोड़ना नहीं चाहता है। वह जानता है कि उसके बड़ा होने पर बचपन के साथ साथ और भी बहुत कुछ छिन जाएगा, इसलिए वह हमेशा छोटा ही बना रहना चाहता है। यह कविता इस प्रकार है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सो, तेरा अंचल पकड़ पकड़ फिरूं सदा माँ तेरे साथ, फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सूं। प्यारे बच्चों, कवि ने इन पंक्तियों में कहा है कि बच्ची छोटी रहकर हमेशा माँ के साथ रहना चाहती है। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से कहती है कि हे माँ, मैं कभी बड़ी ना हूँ, हमेशा सबसे छोटी रहूँ जिससे मैं तुम्हारी गोद में सोया करूँ। माँ, मैं तुम्हारा आंचल पकड़कर सदैव तुम्हारे साथ घूमती रहूँ और तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ूँ। अर्थात बच्ची अपनी माँ का साथ हमेशा चाहती है। बच्चों, आज के पाठ में बस इतना ही। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। बहुविकल्पीय प्रश्न। आपका पहला प्रश्न है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता किसके द्वारा लिखी गई है? आपके ऑप्शंस हैं क भगवत शरण उपाध्याय, ख गुड़ाकर मूले, ग सुमित्रा नंदन पंत, घ विष्णु प्रभाकर। आपका सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। अब आपका अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत कैसे कवि थे? आपके ऑप्शंस हैं क प्रकृति प्रेमी, ख कला प्रेमी, ग राष्ट्र प्रेमी, घ इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है प्रकृति प्रेमी। आपका अगला प्रश्न है, बालिका सबसे छोटी बनी रहना चाहती है क्योंकि? आपके ऑप्शंस हैं क वह काम नहीं करना चाहती है, ख वह पढ़ना लिखना नहीं चाहती है, ग वह अपने हाथ से खाना नहीं चाहती है, घ वह सदा माँ की गोद में सोना चाहती है। आपका सही उत्तर है वह सदा माँ की गोद में सोना चाहती है। अब आपका अगला प्रश्न है, बालिका माँ का आंचल पकड़कर घूमना चाहती है क्योंकि? आपके ऑप्शंस हैं क वह छोटी है और बड़ी नहीं होना चाहती, ख उसे अकेले घूमने में डर लगता है, ग वह सदैव अपनी माँ का साथ चाहती है, घ वह माँ का साथ छोड़ते ही गिर पड़ती है। आपका सही उत्तर है वह सदैव अपनी माँ का साथ चाहती है। अब आपका अगला प्रश्न है, बालिका क्या नहीं छोड़ना चाहती? आपके ऑप्शंस हैं क माँ का हाथ, ख माँ का आंचल, ग माँ का साथ, घ उपर्युक्त सभी। आपका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी। प्रश्न अभ्यास।
लघुत्रीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर एक, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? प्रश्न नंबर दो, आपकी माँ आप लोगों के लिए क्या क्या काम करती हैं? प्रश्न नंबर तीन, बड़ी होने पर बच्ची को क्या छिन जाने का भय है? प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आपको 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल आपसे अगले वीडियो में इसके शेष भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।